हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम इजी विद कुसुम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने अरवी की सब्जी तो बहुत खाई होगी, वो भी कच्ची काट कर बनाई होगी। तो आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उस तरीके से आपको देखना है, उस तरीके से आपको बनानी है। तो मैंने ये जो सब्जी अरवी की बनाई है ये बॉईल करके बना रही हूँ। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये मैंने अरवी लिया है, आधा किलो अरवी ली है, ये मैंने बॉईल कर ली थी। और ये अभी छील लेंगे इनको। और इसी के साथ मैंने कुछ मतलब मसाले भी लिए हैं। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। तो ये प्याज कट कर ली है, दो प्याज ली हैं, अदरक लहसुन काफ़ी सारा लिया है, दो मिर्च हैं तो बीच में से कट कर ली थी ये। तो हमारा तेल जो है गरम हो गया है और इसी के साथ इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा हींग और अजवाइन, और इसके साथ कलौंजी डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको हींग डालना है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, और कलौंजी से भी। तो हमें इसको धीमी आंच पर ही चटकने देना है, नहीं तो जल जाएंगे। और अभी सभी चीज़ों को इसके साथ डाल देंगे एक साथ ही, और धीमी आंच पर ही इसको हम पकाएंगे और इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में। जितना हम धीमी आंच पर पकाएंगे उतना ही इसका जो टेस्ट अच्छा आएगा। और ये मैंने दो टमाटर लिए हैं बड़े वाले। तो हमारा जो प्याज भुन चुका था और अभी इसमें टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको। तो इसको हमें अभी 2 मिनट तक इस तरह से ही पकने देना है। और इसको ढक के रख देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर रख दिया था ताकि इसकी सहायता से अच्छे से गल जाए। तो देखो ये गल चुका है बिल्कुल। और अभी इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे, तो जैसे हल्दी आधा चम्मच डाली है मैंने, और इसी के साथ लाल कुटी मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें नमक। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करते हुए और इसको अभी ढक कर रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो अरवी मैंने छील के रख लिया था, अब इनको काटने की बारी आ गई है, तो इनको कट कर लेंगे। आप इनको किस तरह से भी काट सकते हैं। तो हमारी जो ग्रेवी जो बन चुकी है, और देखो तेल छोड़ दिया है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और ये किचन किंग मसाला है। तो किचन किंग मसाला जो होता है आप हर एक सब्जी में इसको डाल सकते हैं। तो हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और जो हमने अरवी को छीला था वो कट कर लिया है। तो मैंने इस गोल आकार में ही काटा है इसको। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है सभी को। और अभी इसके साथ क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक के रख दूंगी। ताकि इसमें जो सब मसाले हैं ना अरवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हमारी जो सब्जी बनकर रेडी है, इसमें मैं थोड़ा धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए। तो हमारी सब्जी जो है फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये सब्जी। और बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मैंने इसमें धनिया गार्निश कर दिया है, और आप इसको
पूरी के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, बताना कैसी आपको लगी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना।